हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। तो आज हम मनाने जा रहे हैं होली के मौके पे ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो फिर हम होली पे पकोड़े, टिक्की, बल्ले बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो इसमें बहुत ही काम आने वाली है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मीठी चटनी। तो सबसे पहले हमने इमली को भिगो दिया था। तो मैंने इमली ये 4-5 घंटे के लिए भिगो दी थी और हाथों की मदद से इसको मल लिया है। तो इसका पलफ जो है निकल गया है। इसको हम अब छान लेते हैं एक छन्नी में। तो इमली जो है हमारी जितनी ज़्यादा भीगेगी उतनी अच्छी, जो इसका पल्प है उतना बढ़िया निकलेगा। तो इसको छान लेंगे। होली पे सभी मीठी चटनी बनाते हैं, भल्ले वगैरह के साथ, टिक्की के साथ, पकोड़ों के साथ, ये सबके साथ काम आती है। तब ये गाढ़ी गाढ़ी हो गई है तो इसको हाथों की मदद से बढ़िया से छान लेते हैं। इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हमने इस गूदे को भी बढ़िया से मल लिया है। अब पानी डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी डाल के निकालेंगे तो सारा पल्प जो है इमली का बाहर आ जाएगा। तो पल्प हमने छान लिया, इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। तो ये चटनी आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें चीनी, गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें दोनों चीज़ें डालूंगी। तो अब हमने इसको बॉईल करने रख दिया है, इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चीनी। तो ये 200 ग्राम इमली थी, तो उसका पल्प हमने निकाल लिया पानी डाल के। तो देख सकते हो पतला पतला पानी हो गया इसका। तो 200 ग्राम ये इमली का पल्प है, तो इसमें हम डाल देते हैं गुड़। तो मैं 200 ग्राम करीब गुड़ डाल दूंगी और 200 ग्राम करीब डाल देंगे इसमें हम चीनी। तो दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया है। इसको हम मेल्ट होने तक बॉईल कर लेंगे और इसी में ही ऐड कर देंगे मसाले ताकि शॉर्टकट काम खत्म होए। तो अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची चटपटा करने के लिए, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये काला नमक। काला नमक डाल दिया हमने, थोड़ा सा 1 चम्मच करीब डालेंगे हम इसमें वाइट नमक। दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से पका लेते हैं। अभी तो इसको उबाला आने तक पकाना है। में हम जो है उबाला आ गया है, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। और भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, और इसमें सबसे स्पेशल जाती है ये सौंठ। तो ये सौंठ है, अदरक का पाउडर, सौंठ पाउडर डाल देंगे इसमें 2 चम्मच, और फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो लास्ट में ये चीज़ें डाल के इसको साथ साथ चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। चटनी जो हमारी है गाढ़े होने तक हमें पकानी होती है, और थोड़ा सा इसको पतला ही रखें क्योंकि ये रखने के बाद जो है ना काफ़ी गाढ़ी हो जाती है ठंडी होने के बाद। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से चटनी हमारी बॉईल हो रही है। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है क्योंकि मैंने इसमें हींग। तो चटनी हमारी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो बीच में एक बार आप चेक करके देख सकते हो, कम मीठा अगर लगे आपको तो फिर दोबारा से इसमें चीनी या गुड़ डाल सकते हो। तो इतनी गाढ़े होने तक हमने चटनी को पकाना होता है। तो अब गैस को कर देंगे बंद। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश डाल देती हूँ। तो इसमें आप चाहो तो ड्राई फ्रूट वगैरह ना डालें तो खरबूजे के बीज, अंगूर वगैरह, केले भी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी ये चटनी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये होली के मौके पे बहुत ही काम आने वाली चटनी है, तो मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो वीडियो भी बना देती हूँ। तो इसको हम पकोड़े के साथ, भल्ले के साथ, टिक्की के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके खा सकते हैं। तो आपको ये मेरी चटनी की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।